इतनी बड़ी स्टार कास्ट की कितना आप प्रभाव डालेगा? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। कितनी बड़ी स्टार कास्ट लेके आए हैं, उन लोगों को जो दिखाना चाहते हैं वो उसमें सफल होंगे? बिल्कुल सफल होगा सर, सुपर हिट फिल्म बिल्कुल देखनी चाहिए, मैं दोबारा आऊंगा देखने के लिए। अमिताभ सर के बारे में क्या? अमिताभ सर, सर सदी के महानायक है, वो सदी के महानायक है, उनके लिए कुछ नहीं कहना। उन्होंने फिर से प्रूफ नहीं किया, उन्होंने बता दिया उन्होंने वो सदी के महानायक थे, हैं और रहेंगे। कमल हसन, प्रभास, सब एक, सब सब एक नंबर, सब एक नंबर। हाँ, बीजीएम सॉन्ग वगैरह, सॉन्ग वगैरह भी अच्छा लगे। पांच में से पांच, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ जो दिखाना चाहते थे उसमें सफल होंगे? बिल्कुल सफल हुए यार, हमारी मतलब ये फिल्म हॉलीवुड को भी टक्कर देगी। हॉलीवुड भी मुझे लगता है कि बहुत प्यारी फिल्म है। बच्चन साहब ने बहुत प्यारा काम करा है, प्रभास ने बहुत प्यारा काम करा, VFX राइटर ने जो इतना प्यारा स्क्रीन प्ले लिखा है ना, वो मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे यहाँ के राइटर इतनी अच्छे कंटेंट को बना रहे हैं। अप्रिशिएटेबल फिल्म। व्हाट अबाउट बीजीएम एंड सॉन्ग? बीजीएम एंड सॉन्ग बैकग्राउंड ऑसम। एंड स्टार की बात करें तो पांच में से कितना स्टार देना चाहोगे? यार 5। कुछ कहना चाहोगे, कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत मजा आया मूवी देख के, जो एक्सपेक्टेशन थे वो पार हुए देख के मूवीज। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ उन लोग जो दिखाना चाहते थे वो दिखा पाए? जो मूवी की स्टार कास्ट है दैट इज द मेन थिंग, बट उसमें इसमें बहुत सारे कैमियोज है, जो कैमियोज ने एक एक रिवील होते हैं दैट माइथोलॉजी पार्ट्स दैट इंग्रेट्स पीपल टू सी एंड एक्साइटेड।
एक जो फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस है उसमें दिलजीत दोसांझ का एक ऑल ऑफ सडन जो बहेरवा थीम है वो आता है, तो जिससे वो बूस्टअप कर देता है, वो एलिवेट कर देता है एक्शन सीन को। स्टार की बात करें तो 5 में से कितना स्टार देना चाहोगे? एक्चुअली इट्स 5 out of 5 स्टार मूवीज। हाउ इज द मूवी कल की? मूवी वॉज रियली ग्रेट, लाइक जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो ज़्यादा ही मुझे कुछ मिला है। मूवी जेन्युइनली बहुत अच्छी थी। पैसा वसूल मूवी है, क्या कहना चाहोगे ऑडिशन? पैसा वसूल मूवी है, लाइक हमारे इंडिया में ऐसी मूवी अगर बन रही है तो इट शुड बी अ प्राइड फॉर अस कि ऐसी मूवी हमारे इंडिया में बन रही है और हमें जरूर ये मूवी देखनी चाहिए। उन लोगों का जो एम था इतना बड़ा स्टार कास्ट लाके कुछ दिखाने का नया, उसमें उन लोग सफल हुए? जी जी, क्योंकि बहुत सारे एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस भी है, बहुत बड़े बड़े स्टार साउथ के जो स्टार्स हैं उनका एक स्पेशल अपीयरेंस भी है, तो जनरली मूवी बहुत अच्छी है। ऑडियंस को क्या कहना है, देखना चाहिए? ऑडियंस को जरूर देखना चाहिए, बिकॉज हमारे इंडिया में अगर ऐसा कोई एक अटेम्प्ट कर रहा है, ऐसा अगर कोई ट्राई कर रहा है, तो जनरली हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये मूवी अगर इंडिया में नहीं चल रही है सो इट शेम ऑन अस कि हम ऐसी मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहे। 5 out of 5। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमल हसन साथ में? कमल हसन वॉज सुपर, बट इन द नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग, इट वॉज नॉट मच इन दिस पार्ट। यू आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट? एब्सोल्युटली, लव टू वॉच अगेन। व्हाट अबाउट म्यूजिक एंड सॉन्ग, BGM? एवरीथिंग वॉज गुड, इट वॉज सुपर। यू वॉन्ट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस? ऑडियंस वॉज अमेजिंग, इट वॉज फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, इट वॉज फुल। Talking about star, 5 out of 5 stars. Amitabh Bachchan was full 5 star. Prabhas, everything was super. Thanks. Thank you. कितना मूवी देख के आ रहे हो? अभी देख के आया भाई, जस्ट देख के आया, खत्म किया, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर है, मतलब 5 out of 5। सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा? अश्वत्थामा का कैरेक्टर, उसके बाद कर्ण का कैरेक्टर, जो कि सरप्राइज है सबके लिए। पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो? अरे पार्ट 2 के लिए अभी रिलीज कर दे तो देख लो यार, कोई बंदा निकल नहीं रहा हॉल में से, पिक्चर खत्म हो गई फिर भी उसको लग रहा है लास्ट में कुछ ना कुछ तो आना ही वाला है। ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे ये मूवी देखने के लिए? भाई एकदम, मैं तो कहूँगा देखना ही चाहिए, आना ही चाहिए, इससे अच्छी पिक्चर तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आई। मुझे BGM बहुत ज़बरदस्त भाई, मतलब गजब की पिक्चर है, कह नहीं सकते, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिक्चर में है क्या, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो बता नहीं सकते यार। 5 out of 5 10 days. कल की मूवी देखी आ रहे हो? हाउ इज द मूवी? या वेरी नाइस, गुड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ गुड VFX मूवी। सारे लोग हर अलग अलग कैरेक्टर में देखे हो, yes. के बारे में कुछ बताना चाहोगे? आई थिंक मतलब अश्वत्थामा का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, दैट इज अ वन मतलब जेम ऑफ अ रोल दैट दे हैव डन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रभास ने कर्ण का रोल किया है जो आखिरी में पिकअप होता है, दैट इज़ वन ऑफ द गुड रोल्स। बाकी महाभारत का थोड़ा स्टार्टिंग दिखाया है, मतलब स्पेशली फॉर द यूथ जो जिनको पता नहीं है स्टोरी उनके बारे में, मतलब इनिशियली स्टार्ट किया गया है वो चीज़ पिकअप करी है पूरी स्टोरी में, एंड ये कंटिन्यू होगी कई पार्ट्स में। ऑडियंस को क्या कहना है ये मूवी देखने? ऑडियंस शुड वॉच इट, मतलब गुड, और मतलब हॉल के अंदर मस्ट वॉच है, कि डेफिनेटली दे शुड कम टू द हॉल एंड वॉच दिस मूवी। आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसका बेस लाइन लगा, मतलब स्टोरी लाइन, उन्होंने जो महाभारत का बेस लाइन लिया है इट्स रियली नाइस, कनेक्ट बहुत अच्छा बिठाया उन्होंने। हर मूवी में BGM सॉन्ग वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे? बहुत 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 इंपैक्टफुल, बहुत अच्छा, म्यूजिक इज वेरी इंपैक्टफुल, मतलब म्यूजिक तो 5 on 5। चार की बात करें तो मूवी को कितना रेटिंग देना चाहिए? 4 on 5 4 4। कल की देखिए आ रही है अभी, हाउ इज द मूवी, क्या कुछ कहना चाहिए? इट्स अ फैबुलस फिल्म। व्हाट अबाउट एक्टिंग एंड ऑल, सभी एक्टिंग, सभी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि सभी मांझे हुए खिलाड़ी है एक्टिंग में, और सबसे ज़्यादा फुटेज अगर इस सीज़न में मिली है तो अमित सर को मिली है, और उन्होंने एज यूजुअल अपना 100% दिया है। महाभारत के बारे में काफ़ी बात की गई है, मायथों के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली ये जो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने प्रेजेंट किया है रिलीजन को VFX के जरिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज से पेश किया गया है, जैसे कि अभी एक प्रभास की लास्ट एक प्रोजेक्ट और आया था आदि पुरुष, तो उसके अगर कंपेयर किया जाए तो इसको VFX हॉलीवुड को टक्कर दिया है, और बॉलीवुड जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे इंडिया का प्राइड है बॉलीवुड, तो इंडियंस को ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए कि बॉलीवुड ने हॉलीवुड को टक्कर दी है इस प्रोजेक्ट के साथ। इस तरह की फिल्में और कितनी निकलना इम्पोर्टेंट है? इस तरीके की नहीं, हर किसी का एक अपना जॉनर होता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, और डायरेक्टर ने जिस तरीके से इस फिल्म को प्रेजेंट किया है बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, एक जिसे पूरा कम्प्लीटली हॉलीवुड स्टाइल है लेकिन रिलीजन को हॉलीवुड तरीके से प्रेजेंट किया है। पार्ट 2 के लिए कितना एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। BGM सॉन्ग वगैरह कैसे? ओके है, सबसे बेस्ट मुझे अगर लगा ओवरऑल तो VFX जो है।
ऑडियंस को क्या कहना चाहिए इस मूवी के बारे में, क्या देखना चाहिए कि नहीं? ऑफकोर्स ये फिल्म एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने वर्ड रिपीट कर रही हूँ कि बॉलीवुड इंडियंस का प्राइड है और इस बार बॉलीवुड ने हॉलीवुड को टक्कर दिया है, तो हम इंडियंस को ये फिल्म एक बार एटलीस्ट ज़रूर देखनी चाहिए। 4.5। साइलेंट हो गए सारे हम लोग थिएटर में, जितने बैठे ना कोई उठ नहीं रहा था, इतनी पसंद। कुछ अगर चार पांच सीन अगर जो कॉमेडी करने की कोशिश की गई उसको छोड़ दो तो पूरी पिक्चर कमाल है। और ओम राउत ने ये पिक्चर 10 बार देखनी चाहिए। और नाग अश्विन सर मैं बोलूँगा उनको कि वो महाभारत फिल्म डायरेक्ट करें, महाभारत वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने ही बनानी चाहिए नाग अश्विन, जो हुआ है फिल्म कमाल है। इस तरह की फिल्म और निकलना कितना इम्पोर्टेंट है? टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है मूवी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गाना, इसके बीजीएम, म्यूजिक बीजीएम तो क्लास है, जो टेक्निकली हर चीज से हर तरह से बहुत बढ़िया हो गई। और सबसे पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा अमित जी को कि जो अश्वत्थामा जो साकार किया है उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। 4.5। यस। कल की देखे आ रहे हो आप, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह की मूवी लगी? सर कल की एक बहुत ही एक अपना ट्रेडिशनल जो कहानी है महाभारत की, जो उन्होंने एक नए रूप में प्रेजेंट किए इसमें, जिसमें एक अश्वत्थामा को जो शाप मिला था श्री कृष्ण जी ने दिया था कि जब जब इस धरती पे कुछ अनिष्ट होने वाले होते तो विष्णु एक नया अवतार लेने के लिए आते हैं, तो इस कृष्ण ने उनको शाप दिया कि तो इस बार उनको इस शाप से मुक्त होने के लिए उनको प्रोटेक्ट करना है, तो इस स्टोरी लाइन पर ये कहानी उन्होंने लेकर शुरू की है। और अश्वत्थामा को अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है, और प्रभास दीपिका पादुकोण जैसे तगड़े अट्रैक्टर है, तो हर रोल में हर किसी ने एक अच्छी जान डाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस मूवी की ये है कि बहुत ही अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स हैं, एक जो विजुअल्स देखने के लिए हमें मिले हैं इस मूवी में, बहुत ही अच्छे विजुअल्स हैं इस मूवी में। मतलब 3 घंटे की एक मूवी में कभी भी हमें नहीं लगता कि हमें कहीं भी बोर हो रहा है या हमें उठना चाहिए या कहीं बाहर जाके आना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं लगता है। स्टार्ट टू एंड एकदम अच्छे से ग्रिप बनाए रखी हुई है मूवी में। और स्पेसिफिकली ऐसी क्या चीज़ें जिससे ऑडियंस को ये मूवी देखने आना चाहिए? एक तो अपनी पुरानी हिंदी ट्रेडिशनल की महाभारत की स्टोरी उन्होंने फिर से एक नए अवतार में पेश किए, दूसरे तो एक अच्छे एक बहुत ही अच्छी बॉलीवुड मूवी बनी है जिसमें हर किसी ने मेहनत की है, और लगता नहीं कि बॉलीवुड मूवी हम देख रहे हैं, इतनी अच्छी इफेक्ट्स, और ऐसे नहीं लगता कि कुछ ऐसे कहीं पे भी डल नहीं लगता, और एक हाई क्वालिटी का जो स्पेशल इफेक्ट्स जो हमें हॉलीवुड मूवी में ही देखने के लिए मिलता है, इस बार इस मूवी में नहीं देखा। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म में देखना कितना इंटरेस्टिंग लगा आपको? बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और इसीलिए इसे भी ये भी उनका मेजर पार्ट भी रहेगा इस मूवी में हिट बनाने में। पार्ट टू के लिए कितना एक्साइटेड हो? सॉरी, पार्ट टू के लिए कितना एक्साइटेड हो? बहुत ही एक्साइटमेंट उन्होंने हाइक किया है, क्योंकि जो जिस तरह का क्लाइमेक्स उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है तो बहुत ही अच्छा हाइक बनाया है, तो ऐसे लगता है कि अभी काफ़ी लोग खत्म होने के बाद भी रुक रहे कि शायद आगे कुछ और कुछ एक आध सीन दिखाए जाएंगे। तो इस तरह से 5 out of 5 देना चाहोगे? 4.5 देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, कल की देख के आ रहे हो, कैसी लगी मूवी? भाई फिल्म बवाल है, मतलब मेरे को तो बवाल ही लगी इसलिए, और मैं अपने मेरे जो जितने भी मेरे साथ ग्रुप के जितने भी ऑफिस के जितने फ्रेंड्स हैं या मेरे जो पार्टीज़ के जितने भी फ्रेंड्स हैं या मेरे होम टाउन के जितने फ्रेंड्स हैं सबको बोलना चाहूँगा, तुम जाओ यार एक बार देखो, जो एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा ना वो साला किसी में नहीं मिलेगा। बवाल है फिल्म, मतलब आप देखोगे ना स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक्शन इतने लाजवाब है फिल्म के। स्टार्टिंग में थोड़े कॉमिक एक्शन हैं, लेकिन जो उसके बाद जब अमिताभ बच्चन की एंट्री के बाद जो सीरियस एक्शंस हैं भाई, फिल्म वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से अमिताभ बच्चन आता है। प्रभास के लिए भी है फैन फॉलोइंग, ऑब्वियसली जवान है यार, उसके लिए तो होनी है, लेकिन जहाँ से वो बुढ़ा होगा तेरा बाप एंट्री लेता है ना, वहाँ से फिर वो बराबर की टक्कर लगती है अमिताभ बच्चन और प्रभास के अंदर। और जो फाइटिंग सीन्स हैं ना बड़े ज़बरदस्त हैं, मेरे को ट्रेलर में देख के बड़ी खुशी हुई कि अमिताभ बच्चन और इनका प्रभास का ना फाइटिंग सीन लिया, और बड़ी गर्व होता है कि ना आज भी अमिताभ बच्चन के नाम पे यहाँ पे पोस्टर में देखोगे तो अमिताभ बच्चन का पोस्टर छपता है यहाँ पे आज भी इस 82 की एज में, उस समय से लेके। तो बड़ा मज़ा आया मेरे को देख के, और गर्व होता है कि ना हमारे बॉलीवुड के स्टार में अमिताभ बच्चन बूढ़े हैं लेकिन आज भी खड़े हुए हैं मेन किरदार में। इंटरेस्टिंग क्या लगा जो ऑडियंस? यार मैथोलॉजिकल पार्ट फिल्म का, जो महाभारत से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अभी के और अंत कलयुग के अंत के युग
तक को जिस तरीके से इमेजिन करके पर्दे पे क्रिएट किया है वो बड़ा लाजवाब था। जो ऑडियंस आनी चाहिए देखने इस तरह की आई 70% तो मुझे दिखी थी। मैं सॉरी टू से लेकिन मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, गाली देना बुरी बात है, लेकिन मैंने गालियाँ दी भाई प्रभास को। जब अमिताभ बच्चन ठोकते हैं ना फाइटिंग सीन में बहुत गालियाँ दी, इसलिए कि मेरा मन भर गया कि अमिताभ बच्चन वैसे भी एक्शन में फिल्म एक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी उसके बाद किया, तो मैं बड़ा खुश हुआ है यार उसमें क्या फाइटिंग सीखा, वो एक फैन बेस होता है ना वो अंदर से निकला है और बहुत हुटिंग देके चलाए। अब मेरी आवाज़ भी देख रहे होंगे कितनी फट चुकी है। कमल हसन जी का रोल कम है लेकिन सेकेंड पार्ट में उनका बवाल है, क्योंकि लास्ट में प्रभास और कमल हसन जी का जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को और ब्रीफ दिया गया और जिस लेवल पर बड़ा बनाया गया वो आप देखोगे तो पार्ट टू के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। बहुत ज़्यादा यार, मतलब डबल एक्साइटेड हूँ। म्यूजिक बीजीएम की बात करें, बीजीएम की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त था। जो मतलब पुराने जो इसमें प्रभास का एक सीक्वेंस है स्टार्टिंग में जब उनके एंट्री सीन है उसमें फाइट सीन है कॉमिक वाला, उसके साथ में जब अमिताभ सॉरी उसके साथ में जब वो फाइटिंग सीन के साथ में एक सॉन्ग बजता है वो पुराने काल के जो आपने रामायण या महाभारत देखी होगी उसमें जिस तरीके के जो काल महाभारत के सॉन्ग्स बजते थे उस तरीके के सॉन्ग को थोड़ा सा फनी वे में लेके क्रिएट किया है, और तो वो एक बड़ा अच्छा लगा। महाभारत में अमिताभ बच्चन का जो सीन जवानी का बताया है उसमें एक दो और हैं महारथी जो आते हैं फिल्म के अंदर में जो लास्ट में भी रिवील होंगे, मैं आपको स्पॉइल नहीं दूंगा बिकॉज मज़ा नहीं आएगा फिर लोगों को, तो वो बड़ा मज़ा आया। 5 ही दूंगा भाई।